जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोग जब न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बहुत बार आपको लगता होगा आखिर ये हो क्या रहा है। और जिस तरह का परिदृश्य इस समय वर्तमान में चल रहा है दुनिया में, उसमें बहुत बड़े लोग भी कुछ ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं जिसको लेकर के कई बार मन में ये बात आती है कि आखिर ये लोग क्या दुनिया को बर्बाद करके छोड़ेंगे, आखिर ये लोग चाहते क्या है, आखिर ये क्यों नहीं शांति इस दुनिया में रखना चाहते हैं, क्यों अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं, क्या ये नहीं जानते हैं कि इन चीजों का परिणाम क्या होगा। दर्शकों, अभी हाल ही में ताइवान के अंदर अमेरिका की एक सांसद जाती है, चाइना उसका विरोध करता है, यहां तक कि धमकी देता है कि हम उसका प्लेन ही गिरा देंगे, उसको आसमान में ही मार देंगे। इन सब के बावजूद भी वहां मीटिंग होती है। आखिर दो महाशक्तियां आपस में यदि इस तरह की स्थिति पैदा करेंगी तो उसका हर्ष क्या होगा, ये आपको और हमको भी समझ में आता है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता है। अब आप और हम मिलकर के तो विश्व युद्ध करेंगे नहीं। विश्व युद्ध अगर होना है तो ऐसे ही बड़े लोग कुछ बेवकूफियां करेंगे तब ही कुछ होगा। ऐसे में जो ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं, बार बार इशारा कर रही है विनाशकारी लीला होगी। हमें भी लगता है ये बात तो सही है ग्रहों के आधार पर, लेकिन मन में डर आता है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को कितनी बड़ी बर्बादी देखनी पड़ेगी। काश कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, ये लोग समझ जाए, लेकिन ये लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। और इसका खामियाजा ये होगा कि ब्रह्मांड में घूम रहे ग्रह सितारे जो खेल खेलना चाहते हैं इस दुनिया के सामने, वो तो फिर होकर रहेगा और उसमें महाविनाश की लीला भी होकर रहेगी। ऐसे में आप देख रहे हैं कि 2018 के बाद से लगातार धीरे 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 इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे कदम उठते जा रहे हैं जो इस दुनिया को विनाश की लीला की तरफ बढ़ा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है फिर उसी अंगारक योग के समय के बीच में हो रहा है, जब राहु और मंगल दोनों एक डिग्री के डिफरेंस पर आमने सामने हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि महाविनाश महाविस्फोट होने वाला है। और ऐसे में इस मंगल राहु के अंगारक योग के कारण से जो परिस्थितियां पैदा होंगी वो संभाले नहीं संभलेंगी, ये बात निश्चित है। आपको ध्यान होगा फरवरी के अंदर भी मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि ग्रहों की एक अम्ब्रेला बन रही है, कुछ विषम परिस्थिति का निर्माण तो जरूर होगा और इस विषम परिस्थिति के अंदर कोई बड़ी घटना ना घटे इस दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता। और आपने यूक्रेन और रशिया को लड़ते हुए देखा, एंडलेस लड़ाई आज तक चल रही है, जो लड़ाई 7 दिन में खत्म हो जाने की बात की जा रही थी आज तक लड़ी जा रही है। और इस अंगारक योग के अंदर भी अमेरिका और चाइना ने वो बीज डाला है जिसके लिए मैं आपको पहले कह रहा था कि ये हफ्ता बड़ा खतरनाक है, इस समय पर कोई बड़ी घटना जरूर होगी। और इस समय भी एक ऐसा बीज डाला जा चुका है जो एंडलेस है, जिसका कोई अंत नहीं होगा, महाविनाश पर जाकर के ये दौड़ रुकेगी, ये प्रतियोगिता इन दोनों की रुकेगी, एक दूसरे को नीचे गिराने की प्रतियोगिता जो इनकी चल रही है ये तभी रुकेगी। और ये बहुत चिंता का कारण है, बहुत बड़ी चिंता का कारण है ये। दर्शकों, एक के बाद एक हर वो कदम आप उठते हुए देख रहे हैं जिसकी आशंका मैंने आपको 2018 से लगातार मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता आ रहा हूं कि संसार में अब क्या होने वाला है। मैंने कोविड तक कोई भी बात ऐसी नहीं कही थी आप लोगों के सामने
जिसको लेकर के आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत पड़े, क्योंकि तब हम एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेल रहे थे। उस समय में अगर आपसे 2025 की बात करता तो बहुत ज्यादा नकारात्मक माहौल होता, लेकिन हम कोविड का वो भयंकर काल देख चुके हैं। अब हमें आगे की तैयारी करनी है, तो आगे का समय फिर महाविनाश का है और इसकी भी हमको पूरी लीला देखनी है, इसी जन्म में देखनी है, अगले 5 सालों में देखनी है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे जो इस दुनिया में हैं, ये दुनिया को विनाश के मुहाने पर लेकर जाएंगे, क्योंकि कुदरत ऐसे ही लोगों को कुछ समय के लिए शक्तियां देती हैं जब वो विनाशकारी लीलाएं घटित हो। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, व्यक्ति आया और उसके बाद लगातार स्थितियां क्या हो रही हैं आप देख रहे हैं। शी जिनपिंग को देख रहे हैं, वो अपने कर्तव्यता से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जो पूरे संसार के लिए चिंताजनक है। इसलिए दर्शकों, हमें धर्म के रास्ते पर रहना है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, इस संसार की रक्षा करें, क्योंकि संसार उसका है तो रक्षा भी वही करेगा। और उसके निमित्त जो भी हमारी सेवाएं होंगी, उस ऊपर वाले से हमारी यही प्रार्थना है कि हमें भी वो अवसर दे, ताकि हम भी इस विश्व शांति के अंदर अपना कुछ छोटा सा योगदान अवश्य दे पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।